हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लेटेस्ट वैकेंसी जो निकली हुई है, आज उसकी लास्ट डेट है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़, ठीक है, न्यू डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स मिनी सेक्टर किश्तवाड़, एडवर्टाइजमेंट फॉर इंगेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ वन स्टॉप सेंटर OSC फॉर वुमेन किश्तवाड़ फास्ट ट्रैक रिक्वायरमेंट है, जिसकी ओपनिंग डेट जो थी वो 9 मार्च 2022 से थी, और आज जिसकी 15 मार्च 2022 को लास्ट डेट है। तो जिन जिन बच्चों ने स्पेशली जो है किश्तवाड़ के, अगर जिन्होंने फॉर्म फिल किया है तो बहुत अच्छा है, अगर जिन्होंने नहीं किया है तो आज लास्ट डेट है, तो वह फॉर्म फिल कर लें। द पोस्ट और एडवर्टाइज फॉर मैनेजमेंट ऑफ वन स्टॉप सेंटर OSC फॉर वुमेन किश्तवाड़ एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और भी जो इसके लिए एक्सपीरियंस है, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ आप इसको एक बार अच्छे से सुन लीजिए फॉर्म, अपने फॉर्म फिल करने से पहले। सबसे पहले जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर, और इसमें जो है सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए नहीं है, इसमें एक वैकेंसी है, और ये जो है मंथली सैलरी इसमें 40,000 रहने वाली है। और जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिग्री इन लॉ या फिर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, और जो इसके लिए एक्सपीरियंस अदर क्वालिफिकेशन है, एज जो है 18 से 40 होनी चाहिए ऑन 1/1/2022 तक, और 5 years experience of working on violence against women issue in an administrative setup with the government or non-government project program, या फिर 1 year experience of counseling either within or outside the same set of women with the government or non-government project program, या फिर should be resident of the local community so that the local human resource and experience is utilized for effective function of the center. जो दूसरी वैकेंसी है इसमें 2 पोस्ट हैं केस वर्कर की, ये भी फीमेल्स के लिए है, इसमें जो मंथली सैलरी रहने वाली है वो 14,000 है, और इसके लिए भी क्वालिफिकेशन वह डिग्री इन लॉ चाहिए, और इसका भी जो है एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट ऑफ आर एज 18 से 40, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद इन गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट, या फिर शुड बी ए रेसिडेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी सो दैट लोकल ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्टाइज इज यूटिलाइज्ड फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सेंटर। इसमें एक बात बता दूँ कि जो लोकल है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि स्पेशल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है, तो काउंसलर जो है वो फीमेल ऑनली इसमें भी है, इसमें एक पोस्ट है, और इसमें मंथली सैलरी जो है 22,000 रहने वाली है। इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है मास्टर्स इन सोशल वर्क क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसमें भी एज जो है 18 से 40 होनी चाहिए, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस जो वर्किंग एज ए काउंसलर, ठीक है। और जो 4 नंबर पे है पैरा लीगल पर्सनल लायर, इसमें फीमेल है, इसमें भी एक पोस्ट रहने वाली है, मंथली सैलरी 13,000, और डिग्री इन लॉ और मास्टर इन सोशल साइंस सब्जेक्ट, इसमें भी सेम जो है एज रहने वाली है और एक्सपीरियंस है वगैरह, वो आप एक बार आप फिर सारे अच्छे से देख लीजिए। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार आप अच्छे से देख लें कि आप इस चीज़ में फॉल करते हैं कि नहीं। 5 नंबर पे जो पैरा मेडिकल पर्सनल है, इसमें फीमेल है, इसमें 2 पोस्ट रहने वाली है, 10,000 पर मंथ सैलरी है, इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है प्रोफेशनल डिग्री पैरामेडिक्स विद ए बैकग्राउंड इन हेल्थ राइट, इसमें भी जो है एज 18 से 40, और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी है। और 6 नंबर पे जो है IT स्टाफ, इसमें भी एक है, इसमें एक बात बता दूं कि जो IT स्टाफ है इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि मेल फीमेल, दैट मींस कि इसमें बहुत मेल भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें मंथली सैलरी 10,000 रहने वाली, और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर और IT होनी चाहिए, इसमें भी 18 से 40 एज, और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस डॉक्यूमेंट एंड वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 7वें नंबर पर मल्टीपर्पज़ हेल्पर, इसमें 2 वैकेंसी रहने वाली है, और 10,000 इसमें सैलरी, और मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, कम से कम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए प्यून और हेल्पर एट्सेट्रा होना चाहिए 3 साल का, और एज जो है 18 से 40, और सिक्योरिटी गार्ड की 2 पोस्ट हैं, इसमें भी 10,000 सैलरी, और बेसिक सैलरी इसमें जो है
मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सिक्योरिटी गार्ड का, रिप्यूटेड और इन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे। तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें ज़्यादा जो है फीमेल्स के लिए है, लेकिन जो आईटी स्टाफ और मल्टीपर्पज़ हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट हैं इसके लिए मेल फीमेल जो है दोनों ये अप्लाई कर सकते हैं। और 15 आज यानी 15 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। और इसमें आपको मैं एक दो चीज़ और बताता चलूँ कि जो क्राइटेरिया है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन फॉर द पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 1-6 जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 80 पॉइंट्स हैं और वाइवा जो है 20 मार्क्स का होगा। और बाकी भी जो इसमें टर्म्स कंडीशंस रहने वाली हैं, ये एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ J&K रेजिडेंट ऑफ किश्तवाड़ होना चाहिए। एप्लीकेशन फ्राम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ मीटिंग अदर रिक्वायरमेंट इनकोरेट टू अप्लाई एंड शाल बी प्रेफर्ड जो है अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को प्रेफर किया जाएगा। और एप्लीकेंट शुड बी मेडिकली फिट फॉर फील्ड विजिट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स विलेज ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। इसमें बहुत कुछ रहने वाला है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और 15 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं आप इसमें देख सकते हैं, इसमें पूरा इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो आप प्लीज़ इसमें जाके एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। और ये जो है इसमें, और इसमें एक चीज़ और आपको बता चलूँ, जो ये पोस्ट हैं ये कोई ये है ये इसमें ये टेम्परेरी और कंट्रेक्चुअल बेस पे है 1 साल के लिए। तो बाकी जो इसमें फर्दर है इन्हें इतना ही लिखा हुआ है, बाकी आप इसमें अच्छे से एक बार खुद देख लीजिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जैसे मैंने आपसे कहा गया है कि और भी जितनी वैकेंसीज निकलने वाली है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे, रेलवेज़, बैंक या प्राइवेट, जहाँ वो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब निकलने वाली, तो मैं सब आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुँच सके। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।